తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ ఆదేశానుసారము జగిత్యాల పట్టణ పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో భాగంగా స్థానిక 13 26 27 30 31 42 43 44 వార్డుల మరియు అనుబంధ కమిటీల ఎన్నిక కార్యక్రమం జగిత్యాల పట్టణ రూబీ ఫంక్షన్ హాల్లో జరగగా కార్యక్రమంలో ఎన్నికైన కార్యవర్గానికి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారని కరోనా కష్టకాలంలో సైతం ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న ఏకైక గెలిచిన తర్వాత 3 సంవత్సరాల్లో ముఖ్యంగా జగిత్యాల పట్టణంలో డివైడర్లు రోడ్డు వెడల్పు వైకుంఠ ధామాలు మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నూతన పైప్లైన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. हमारे से गुजारिश की जाती है वो भी सब कुछ कर रहे हैं हमारे इंडिया भाई इतने महान पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आ चुके हैं, नौजवान भी बहुत आए. इससे पहले उन लोगों के फैमिलीज में भी टीआरएस में अलग अलग पार्टी में भी थे. गैसा इलेक्शन में मेरे बहुत अच्छा मेजॉरिटी दिए पूरे ये वार्डों में, पर थोड़ा म्यूनसिपल इलेक्शन में थोड़ा थोड़ा वोटों से ये वार्डों में हार के एक ही 43 वार्ड में एक ही जीते. हार जीत तो होते रहते हैं, मगर ये सरकार जो आवाम के लिए कर रहे हैं, ये तेलंगाना रियासत के काम कर रहे हैं केसीआर साहब, वो देख के आप सब लोग ये पार्टी को मजबूत करना भूल के मैं आप सबसे इसे गुजारिश करता हूँ. जगत्याल के तरक्की के लिए अपना मुझे जो सामने लाया है पॉलिटिक्स में अपना कविता बहन, उनके मदद से और केटीआर साहब के मदद से ईश्वर के मदद से जगत्याल के तरक्की के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश रहूँगा. और ये लीडरों के लिए और अपना कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा हमेशा हाजिर रहूँगा. बल्कि आप सब तो देख रहे हैं, 7 साल से जब से सियासत में आया हूँ पूरी तरह से मेरा वक्त इसके लिए दे रहा हूँ. 1.5 घंटा ऐसा दवाखाना गए तो भी वो शाम में बड़ी दूर दूर से आते हैं, अपने लोगों को दिए ना दिए थोड़ा ऑपरेशन कर रहा हूँ, मगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. और पूरे आगे के वक्त भी इसीलिए अपने जगत्याल के आवाम के खिदमत में रहूँगा. आपको मालूम केसीआर साहब पहले से बोलता है तेलंगाना का तहजीब है गंगा जमुना का तहजीब, मेरा भी वैसे ही रहता है. क्यों बोला तो इसमें केसीआर साहब के ही निशान है ये गुलाब झंडा. वही चाहते हैं एक अच्छा अमन रहना, बोल के चाहते हैं तेलंगाना का तरक्की चाहते हैं. इसलिए आज देख रहे 24 घंटा बिजली, हर एक टाउन डेवलपमेंट इसके वजह से रोजगार बढ़ रहा है और खेती
खेतीबाड़ी और सब देख रहे हैं, पानी का कहाँ भी तकलीफ है आज, पानी का, खाने का, बिजली का। और ज़्यादा आज ये महिला के वार्ड्स का मीटिंग है, थोड़े लोग को खेती बाड़ी रहता है, हमारे रियाज खान सब वैसे उनको मालूम बहुत कुछ उधर कर रहे हैं। और टाउन्स में डेवलपमेंट हुए तो बिजनेस बढ़ गए, तो हर एक जो टाउन्स में रहता है, जयत्याल उड़ दो, करीमनार उड़ दो, कोरटा मिटपली, वो लोगों को भी कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। ऐसे वाले पढ़ लेता है, नौकरी कर लेता है, बड़ा बिजनेस कर लेता है। मगर जो रोज ऑटो चला के, बंडी चला के, कुछ टिफिन सेंटर वो रहता है, वो लोग भी अच्छा रोजगार मिलना बोले तो जयत्याल टाउन का तरक्की होना। अगर तरक्की होता है टाउन बढ़ते, अगर टाउन बढ़े तो ये अपन रोजगार मिलते, वो काम अभी ये सरकार कर रहे। इसीलिए जयत्याल को जिले बनाए, 2014 में बोले जिले बनाएंगे, बोल के जिला बनाए, आज मेडिकल कॉलेज भी दिए। ये मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया अब तक काम नहीं हुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आए, उनके मुंह से ही बोले और हमारा प्रेस रिपोर्ट का पूरा उसको सबको सुनाया, लिख के बताया। इससे सुपर स्पेशलिटी से बोलते नेक्स्ट ईयर से अपन को दिल का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर होंगे, बराबर होते और गरीबों के घर भी हो रहे। आप जाके नुकापल्ली में देखो, बहुत बड़े पैमाने से में वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा, उसमें 12% रिजर्वेशन रख के 600 लोगों को, मुसलमान लोगों को भी आया हुआ है सब देखिए बोल के यहाँ वहाँ। और पेंशन के बारे में पूछे, अब तो ये पूरे मुल्क में इतना पेंशन किसी भी रियासत में नहीं दे रहे, 29 लाख पेंशन दे रहे, बल्कि हम फकर से बोल रहे। जयत्याल में 60,000 लोगों को अपन पेंशन दे रहे, इकोनॉमी बढ़ रहे। केसीआर साहब थोड़ा जमीन बेच के भी हो रहे दो तरक्की करेंगे बोल के उसके पूरे तरफ से वही मकसद है। वैसे ही जरूर भाई जयत्याल के तरक्की के लिए और भी खिदमत करूँगा। और आप सब लोग पार्टी के लीडर्स है, ये अपना पार्टी, आप सब लोग भी ये तेलंगाना सरकार में अपने पब्लिक को, अगर किसी भी सरकारी ऑफिस में है तो एक विजिटिंग कार्ड लेके जाके काम कराना। पूरे मुल्क में किसी भी सरकार नौकरी वाले को इतना तनख्वाह नहीं है, टीचरों को इतना तनख्वाह काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे पहले बहुत ज़्यादा रहते थे और उससे भी ज़्यादा तनख्वाह अपना जो भी है सरकार टीचर्स हो दो, कोई भी हो दो, तहसीलदार हो दो, कांस्टेबल हो दो, जहाँ होम गार्ड को भी 1800 रुपये दे रहे। एक आंगनबाड़ी टीचर है तो आज 13,000 दे रहे, आया वो भी 6,000-7,000 दे रहे। क्यों? आंगनबाड़ी टीचर है तो अपने छोटे बच्चों को उसमें स्कूल में गए तो अच्छा उसको देखभाल करना, उसको पढ़ाना, अच्छा खाना देना बोल के तनख्वाह बढ़ाए, उसको वर्कर से टीचर बनाए। बोले तो एक छोटा बच्चे से लेके पूरा पढ़ते पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, उसके बाद में शादी को शादी मुबारक, शादी होने के बाद प्रेगनेंसी हुए तो KCR किट, वैसा एक के बाद एक, उसके बाद में एक उम्र आने के बाद देखभाल करने के लिए 2,016 रुपये पूरा मुल्क में बिका रहे हैं, उतना पेंशन से सरकार दे रहे। ऐसा सरकार को आप सब लोगों का आशीर्वाद भी रहना, आपके मदद रहना बोल के उसके बावजूद डालना बोल के मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम लिया, अपना डालना बोले तो बहुत टाइम लिया, जरूर डालेंगे। आप महबूब नगर का वहाँ के फोटोज लीजिए, हर एक जगह 6x6 आए वैसा देखे, 150 शॉप्स के लिए हम प्लान करें, जरूर किसको भी तकलीफ दे रहेंगे, थोड़े लोग अनेसर बदनाम करते, जरूर 6x6 बोले तो अच्छा लंबा चौड़ा रहता है। हमारा आवेश भाई तो बैठता है, वो 4x4 भी नहीं रहता है, 6x6 डाल के देंगे और उसके बाद में चला जाए तो सामने अपन एडजस्ट कर लेते। पर ये कि लाइन पे अपन को 6x6 अच्छा आया वैसा हम प्लानिंग करें। हमारा चेयरमैन भाई श्रावणी उसको बुखार रहने से नया आया, प्रवीण भी आता बोला, मगर आज ईद है आप सबको मालूम, तो इसलिए वो लोग नहीं आ सके। डेफिनेटली वो लोग को और हमारा सीनियर ना है, काउंसलर है, कोऑप्शन मेम्बर्स हमारा रियाज मामा है, हमारा आसिफ भाई का मिसेज भी, हमारा बड़े बहन भी कोऑप्शन मेम्बर है, और दूसरे भी लीडर सब मिल के नमाज करके आप सब लोग यहाँ हाजिर हुए। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं।